भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद भारत की स्थिति बहुत मजबूत है तो वेस्टइंडीज बेदम दिख रहा है। दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल का शतक सबसे हाई पॉइंट रहा मैच का, और दूसरे दिन और क्या कुछ हुआ और इस मैच में आगे क्या कुछ हो सकता है। शुभमन गिल जो कि चेतेश्वर पुजारा की जगह को भरने के लिए आए थे, क्यों हो गए असफल, इन सारी बातों पर आज बातें करूंगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आज विराट शतक आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच विंडसर पार्क डोमिनिका में खेला जा रहा है, जो दूसरा दिन रहा वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा, और अगर मैं कहूं कि ये यशस्वी जायसवाल के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने बता दिया कि क्यों उन्हें भविष्य का खिलाड़ी कहा जा रहा है, और ऐसी क्या वजह है कि टेस्ट टीम के साथ जुड़ते ही लोग उन्हें जल्द से जल्द टेस्ट डेब्यू करवाना चाहते थे। प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और ये बातें उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, एज ग्रुप के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लिए, सब में प्रूफ करके दिखाया है। और एक बार फिर डोमिनिका में जो दूसरे दिन का खेल हुआ वहां उन्होंने जो पारी खेली वो लाजवाब थी। वो 143 रनों पर अभी भी नाबाद हैं, नॉट आउट हैं, और तीसरे दिन उनसे दोहरे शतक की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से भी सेंचुरी निकलकर आई है, और आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए लेकिन वो आउट हो गए। तो ये बातें हो गई रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की, दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी हुई, जो वेस्टइंडीज के 150 रनों से अगर आप जोड़े तो 79 रन ज्यादा है। तो भारत मजबूत स्थिति में, हालांकि जब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आए तो वो ज्यादा देर क्रीज पर नहीं ठहर सके और मात्र 6 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच किए गए स्पिनर वेरिकेन के गेंद पर। अब सवाल यह भी उठता है कि यह पहला अवसर था कि शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा की जगह पर भेजा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को इंडियन टेस्ट टीम से हटा दिया गया है, तो उस जगह को भरने के लिए शुभमन गिल को आजमाया गया। शुभमन गिल भी चाहते थे कि वो नंबर 3 पर खेलें, लेकिन वो पहली पारी में बहुत कुछ नहीं कर सके, और आप कह सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा के जूते में जैसे ही उन्होंने पैर डाला वो चुभ गया उनको। लेकिन ये बातें हैं, एक पारी के आधार पर आप कुछ नहीं कह सकते, और ऐसा भी क्रिकेट में देखने को मिला है कि जब कोई लंबी साझेदारी होती है ना, तो उसके बाद जो कोई बैटर आता है तो वो बहुत देर कई बार नहीं खेल पाता, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन बनाकर रखना इतना आसान नहीं होता। देखिए, पिच डिफिकल्ट है, इस पर रन तेजी से नहीं आएंगे, और कितना डिफिकल्ट है और इस पर रन बनाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि विराट कोहली ने अपनी 36 रनों की पारी के लिए 96 गेंदों का सामना किया, और इस पारी में अब तक उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया है, और वो भी जब वो 81वां गेंद खेल रहे थे तब। और आपको बताओ, अगर आप वो दृश्य देखेंगे तो जब उन्होंने पहली बाउंड्री मारी और वो जो एक वेल फ्लाइटेड डिलीवरी थी वेरिकेन की, और वो कवर ड्राइव लगाते हैं और उसके बाद जो है वो हवा में पंप करते हैं इस तरह से कि मानो उन्होंने जो है कितना बड़ा काम किया है, शतक मार दिया, तो बाउंड्री लगाना इतना मुश्किल था। लेकिन यहां पर ये बातें तो विराट ने मजाक में की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो ये बताता है कि इस पिच पर स्ट्रोक खेलना कितना मुश्किल है। तो दूसरे दिन 2 शतक आया, तो क्या तीसरे दिन भारत के लिए तीसरा शतक भी आएगा? जी हां, विराट शतक की उम्मीद सभी कर रहे हैं, और सभी को उम्मीद है कि कोहली जो है तीसरे दिन सैकड़ा जड़ेंगे।
भारत की कुल बढ़त 162 रनों की हो चुकी है, जो दूसरे दिन की खेल समाप्ति के समय भारत का स्कोर था वो था 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन। तो 162 रनों की बड़ी लीड भारत ने अब तक हासिल कर ली है और तीसरे दिन अगर भारत इस लीड को 300 के पार ले जा पाता है तो आप मानकर चलिए कि भारत को दूसरी पारी खेलने की जरूरत शायद न पड़े। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच डोमिनिका में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। भारत के पास 162 रनों की लीड है और तीसरे दिन भारत चाहेगा कि इस लीड को 300 के ऊपर लेकर जाए और खेल प्रशंसक चाहेंगे कि विराट कोहली के बल्ले से विराट शतक आए और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक आए, क्योंकि डेब्यू टेस्ट मैच में किसी इंडियन ने अब तक दोहरा शतक नहीं लगाया है तो यह पहला अवसर हो सकता है। तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को हमारी शुभकामनाएं। आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।